प्रिय विद्यार्थियों, मैं आवेश कुमार आर्य जुगल किशोर इंटर कॉलेज गवां संबल से आपके सामने संधि प्रकरण में यण स्वर संधि को लेकर के आया हूँ और इसे आप आशा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यण स्वर संधि का सूत्र है इको यणचि। इस इको यणचि सूत्र का अर्थ होता है इक के स्थान पर यण आदेश होता है यदि अच बाद में हो तो। अब देखेंगे इसमें तीन प्रत्याहार आए हैं, पहला इक आया है, दूसरा यण आया है और तीसरा अच आया है। अब सबसे पहले हम इन प्रत्याहारों को समझेंगे। तो पहला एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे चार वर्ण आते हैं ई ऊ ऋ ॠ और यण प्रत्याहार के अंतर्गत भी चार ही वर्ण आते हैं या वा या ला। अब अगला प्रत्याहार आता है अच। अच के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं और वो स्वर हैं आ ई ऊ ऋ ॠ ए ओ ऐ औ। अब आप देखेंगे कि जो सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण होगा, इक के स्थान पर यण होगा किस कंडीशन में होगा, यदि इनमें से कोई भी वर्ण प्रत्याहार के पश्चात आए। अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं। जो अपवाद ये है कि यदि ई है और ई के पश्चात यदि ई आती है तो यह दीर्घ स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि नहीं होगी। ऐसे ही यदि ऊ है, ऊ के पश्चात ऊ आ जाए तो भी यह दीर्घ स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि नहीं होगी। और ऋण आए तो ऋण के बाद ऋण आने पर भी यह दीर्घ स्वर संधि होगी। इसलिए कंडीशन हमारी यह होगी कि इसमें ई के पश्चात ई ना आए और उ के पश्चात उ ना आए, ऋण के पश्चात ऋण और लिरी के पश्चात लिरी ना आए। बाकी इनमें से कोई भी वर्ण उसके पश्चात आता है या हम ये कह लें कोई भी असमान स्वर हो तो यण आदेश होगा। अब देखिए जैसे ले लेते हैं हम किसी उदाहरण को, प्रत्येक अब इसको हम तोड़ेंगे प्रति प्लस एक। अब इनको अलग अलग करेंगे प्र त और ता हलंत हो जाएगा, इधर ई आ जाएगी, इधर प्लस ए। अब ये हमारे क्या है, एक प्रत्याहार का वर्ण ई है और उसके पश्चात असमान स्वर ए है तो यण स्वर संधि होगी। और यण स्वर संधि में अब क्या करेंगे, इक के स्थान पर यण आदेश होगा। अब इक प्रत्याहार का हमारा ई वर्ण है और ई के स्थान पर यण प्रत्याहार का यण आ जाएगा और यण आने पर इसका रूप होगा प्र त और ई के स्थान पर यण आ गया और इधर ए और क। आप देखिए इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ या ही क्यों आया, जब यह प्रत्याहार का वर्ण है तो एक प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी वर्ण इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता था लेकिन नहीं आया, केवल या ही आया है क्योंकि इन दोनों के उच्चारण स्थान एक हैं। तो
तो अब इसको हम जोड़ेंगे प्र त। अब देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो प्र त य। अब प्र है और ये ता है, ये दोनों क्या हैं? हमारे दोनों ही व्यंजन वर्ण हैं और व्यंजन वर्ण हमेशा अर्धमात्रिक होते हैं, तो इसलिए ये ता क्या है? अर्धमात्रिक है। और इसके पश्चात हम या के पास जाएँ तो या भी व्यंजन है तो वो भी अर्धमात्रिक है, तो इसलिए हम पहले वाले को आधा कर देंगे तो ता आधा हो जाएगा। अब आएगा या, और या को अब देखेंगे या भी अनंत है लेकिन इसके पास हमें स्वर ए मिल रहा है तो ये को हम यहाँ ले आएंगे और इधर ये का बचा तो इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो ये इस प्रकार से ये प्रत्येक शब्द सिद्ध हो जाएगा। और एक शब्द और ले लेते हैं, इसको तोड़ेंगे इति प्लस अत्र। अब देखिए ई त और ई प्लस अत्र। अब ये देखेंगे एक प्रत्याहार का वर्ण ई आया है और इसके पश्चात हमारा अच आया है और अच में असमान स्वर है तो ई के स्थान पर हम या कर देंगे तो बनेगा ई त और य प्लस अत्र। अब देखिए इसको जोड़ेंगे ई ता और या दोनों जोड़ने पर तादा हो जाएगा, या और या में ये आने पर इसका अंत हट जाएगा और त्रा को हम यू ले आएंगे तो इत्यत्र शब्द भी सिद्ध हो जाएगा। आगे अब अगला शब्द लेंगे हम, अगला वर्ण है उसे देखेंगे तो स्वागतम शब्द है। अब जब इसको तोड़ेंगे तो करेंगे सु प्लस आतम। अब सु, अब सु में से हम स्वर को निकालेंगे तो सु का रूप ये हो जाएगा सा और इधर उ निकल जाएगा प्लस आ जाएगा और आत्म। अब यहाँ देखेंगे इधर इन प्रत्याहार का वर्ण उ है और इधर असमान स्वर है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उ के स्थान पर वा कर देंगे, इनके स्थान पर वा हो जाएगा प्लस आत्म बन जाएगा। अब देखिए इस स्थिति में हम क्या करेंगे सा, अब ये देखेंगे सा और वा दोनों ही क्या है, हमारे व्यंजन वर्ण हैं और दोनों व्यंजन वर्ण हैं तो पहला वाला आधा हो जाएगा और सा आधा हो गया। अब हम वा को लेकर के आए, अब वा भी आधा है अर्धमात्रिक है तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आ है जब इसमें आएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा और ये आ का डंडा आ जाएगा और जो शेष बचेगा उसको हम यहाँ उतार देंगे तो ये बन जाएगा स्वागतम। ऐसे और ले लेते हैं शब्द, मध्वरी इसको तोड़ेंगे तो मधु प्लस अरि।
दोनों को अलग अलग कर लेंगे, मध ओ प्लस अधि। आप देखेंगे इधर एक प्रत्यारोपण वर्ण है और ये असमान स्वर आ है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उ के स्थान पर वा हो जाएगा और अब जोड़ देंगे धागा हो जाएगा और हुआ में आ जाएगा, तो ये मध्वनी शब्द सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए अगला हम जिससे जिनका उदाहरण लेते हैं, तो इसमें बनता है धात्रंश। धात्रंश को तोड़ेंगे तो धात्री प्लस अंश, और धात्री धात्री में से रेड को अलग निकालेंगे तो क्या बनेगा, रेड और रेड प्लस अन, और दोनों क्या हैं, असमान स्वर हैं, और यहाँ रे के स्थान पर रा हो जाएगा और रा और ये ता दोनों अर्धमात्रिक हैं, तो दोनों को मिलाकर के त्र बन जाएगा और इस त्र को हम यहाँ लाए ले आए और ये धात्रंश शब्द सिद्ध हो गया। इसी प्रकार लाकृति, इससे आपको केवल एक ही संधि मिलती है और वो है लाकृति। इसको तोड़ेंगे लिनि प्लस आकृति, और इस लिनि के स्थान लिनि में से जे को निकाल लिनि के स्थान पर ला हो जाएगा और आकृति को ला में आकृति जोड़ने से लाकृति शब्द सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से हमारी यम स्वर संधि समाप्त हुई, और पहले मैं आपको दीर्घ और गुण स्वर संधि को पहले वीडियो में दे चुका हूँ, अब तीसरी हमारी ये हो गई। इन तीनों को आप एक बार फिर दोहराएंगे जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाएगा।